नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर लवलेश। मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स एट सी घरौंदा करनाल में, और यहाँ पर मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से डील करता हूँ, जिसमें मोस्टली प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब है संरक्षित खेती, जो कि पॉलीहाउस में नेट हाउस में करी जाती है। इसमें हम मोस्टली तीन क्रॉप्स जिनसे हम डील करते हैं, एक है खीरा, दूसरा शिमला मिर्च और तीसरी टमाटर, जिनको मोस्टली किसान भाई ग्रो करते हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत किसान भाई फेस करते हैं वो है माइट्स की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। तो आज हम बताएंगे किसान भाइयों की माइट्स को पहचानना कैसे है, कितने तरीके की माइट्स होती हैं और उनका उपचार या रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो किसान भाई फेस करते हैं ये है शिमला मिर्च की क्रॉप। इसमें आप देख सकते हैं ये जो पत्ते की कर्लिंग हो रही है ये नीचे की तरफ मुड़ रहा है। इसमें भी आप देखेंगे, आप इसमें पत्ते नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं और इसकी जो पेडंकल है, जो आपकी पत्ते की डंठल है, ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है और आगे से पत्ता चौड़ा होने लगता है। ये इसकी खास पहचान है। और पत्ता नीचे की तरफ मुड़ेगा और इसका जो अटैक होता है वो मोस्टली टॉप पोर्शन पर होता है, क्योंकि टॉप का पोर्शन सॉफ्ट होते हैं पत्ते के, तो वहाँ से उनकी वो सकिंग करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको अगर हम पत्ते को मोड़ेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप आंखों से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये जो अटैक है जो आप देख रहे हैं ये है ब्रॉड माइट का अटैक। इसमें दो तरीके की माइट्स होती हैं, एक होती है रेड स्पाइडर माइट, दूसरी होती है ब्रॉड माइट। रेड स्पाइडर माइट का आपको मैं सिम्टम दिखाऊं तो ये है, ये खीरे का पत्ता है, ये खीरे की क्रॉप है। जो माइट्स होती हैं वो हमेशा पत्ते के नीचे होती हैं, ठीक है, और वो वहीं से सकिंग और पत्ते का जो भी रस है वो वहीं से सक करती हैं। तो मैं इसमें आपको पत्ता पलट के दिखाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं, ये आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं, ये है रेड स्पाइडर माइट। इसमें आपको लाल रंग की दिख जाएगी और आप अगर मैग्नीफाइंग लेंस यूज करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगी। और इसको आप नॉर्मली आंखों से देख सकते हैं। और जो दूसरी हमने बताई आपको ब्रॉड माइट, वो आप खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए आपको स्पेसिफिक लेंस यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे तब भी आप उसको नहीं देख पाएंगे। ये 30x का है, इसको आप ऑनलाइन भी मार्केट अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से ही मंगा सकते हैं, 200 रुपये का आता है। तो किसान भाइयों के पास ये चीज़ें होनी चाहिए। ये होगी बात इनके सिम्टम्स की। अब आते हैं इसके रोकथाम की, क्योंकि ये दिक्कत आती है जैसे ही तापमान बढ़ता है उसी वक्त माइट्स का अटैक शुरू होता है, थ्रिप्स और माइट्स का। थ्रिप्स के केस में पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ते हैं, माइट्स के केस में पत्ते नीचे की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन ब्रॉड माइट के केस में कभी का कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स शो करता है। पत्ता आपको ऊपर भी दिखेगा और पत्ते आपको नीचे की तरफ भी दिखेंगे, तो उस केस में आपको पहचानना पड़ेगा और उसमें आपको मदद करेगा ये लेंस, ठीक है। ये ज्वेलरी वाले शॉपकीपर्स भी यूज़ करते हैं। तो हम आते हैं अब इसकी रोकथाम पर। रोकथाम में हम इस पर ओमाइट का यूज़ कर सकते हैं, मस्टामाइट का यूज़ कर सकते हैं, ओबरॉन का यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों का 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं और इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और इन केमिकल्स को अकेले में स्प्रे नहीं करना है, इनको हमेशा नीम ऑयल के साथ यूज़ करना है, तो आपका सबसे अच्छा इफेक्ट दिखेगा। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक में जाएंगे तो उसमें आप ग्रीन पाथ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दो ml करनी है या इसके अलावा अलग अलग? वो भी 2 ml पर लीटर के हिसाब से। जी मतलब सेम दवाई यूज़ करनी है अलग अलग? नहीं नहीं सर, इसको हमेशा 7 days के इंटरवल पे, जैसे आप इसको रिपीट करेंगे और इसको दवा को चेंज करके, जैसे एक बार ओमाइट करी तो नेक्स्ट टाइम आप ओबरॉन का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी हम कहेंगे कि इसको आप ओबरॉन के साथ नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आते हैं कि इसकी नीम ऑयल आता है डिफरेंट कंसेंट्रेशन में, 300 ppm, 1500 ppm, 3000 ppm, 10000 ppm और उससे ऊपर भी। तो उस केस में जैसे 3000 ppm का अगर आपको मिल गई है नीम ऑयल, तो उस केस में 3 से 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे नीम ऑयल को, किसके साथ? ओमाइट, ओबरॉन या फिर मस्टामाइट। तो उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उस हिसाब से अगर 1500 ppm का अगर आपको मिलता है तो उसकी कंसंट्रेशन आधी है, तो उसकी आपको डोज डबल हो जाएगी, तो 3 की जगह 6 से 10 ml पर लीटर के हिसाब से। उस हिसाब से 300 ppm वाला अगर आपको मिलता है तो आपका 30 ml से 50 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे। तो इस हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि किसान भाई कंफ्यूज आते हैं कि नीम ऑयल का हम इस्तेमाल करें तो करें कैसे, किस कंसंट्रेशन में करें, क्योंकि वो 300 ppm वाला मार्केट से ले आते हैं, फिर उसको 2 ml के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं और उनको कोई भी असर नहीं दिखता। तो इस चीज़ का थोड़ा सा खास ध्यान रखना है किसान भाइयों को। तो ये है इसकी रोकथाम के लिए जो उपाय। थैंक यू।